हेलो फ्रेंड्स, मैथ का थ्रेस में आपका स्वागत है। आज देखिए, हम शेरा वाली माता के लिए, या फिर आप लक्ष्मी माता के लिए, या फिर आप राधा जी के लिए इस तरह का लहंगा बना सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैंने इसे बताया है, मेज़र करके भी बताया है, और ये भी बताया है कि आपने इसे छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में किस तरह से बनाया है। मैंने यहाँ पर 6 कलियाँ रखी हैं। अगर आप 4 रखेंगे या आप 5 रखेंगे तो आपके लहंगे की जो चौड़ाई है कम हो जाएगी। लेंथ किस तरह से कम करनी है उसके लिए आप वीडियो को लास्ट में सुने। यहाँ पर देखिए, घेरे की जो लहंगे की जो तैयार लेंथ है वो 10 इंच है, 10 इंच। और 10 इंच लहंगे के लिए 130 ग्राम के करीब मेरी वूल यूज़ हुई है। और यहाँ पर देखिए, इसके साथ मैंने दुपट्टा भी बनाया है। और इसके साथ जो आपने चोली बनानी है, देखिए, एक ये लहंगे की मैंने वीडियो अपलोड की है, तो चोली आप यहाँ से देखकर बना सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने लहंगा बनाना है वो आप किस तरह से बनाएंगे, देखिए, एक इस लहंगे की वीडियो अपलोड हुई है। इस लहंगे में मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये सारा यहाँ तक सेम है, तो लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आप बना सकते हैं। वीडियो में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर मैंने और भी लहंगे की वीडियो अपलोड की है। अगर आप उन्हें बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर मैं ये सभी लहंगे का लिंक दे दूँगी जो अभी अभी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं। देखिए, ये है, इसके साथ भी दुपट्टा बनाया है और इसके साथ चोली भी है। देखिए, एक ये है, इनमें से अगर आप कोई बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लिंक मैं आपको इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये देखिए, ये राधा जी का राउंड लहंगा मैंने बनाया है, इसका घेर काफ़ी है। और इसके लिए देखिए, 11 नंबर मैंने क्रोशे हुक लिया है 3 mm, और साथ में जो वूल है मेरी वो 3 प्लाई की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लहंगे को आप देखिए, यहाँ पर हमने 2 फ्रंट पोस्ट की रो बनाई है। उसके बाद देखिए, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रो मैंने बनाई है वाइट कलर तक। और जब हमारी 9th रो कंप्लीट हुई है, उसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखिए यहाँ पर ये इंक्रीज है। टोटल मेरे पास 10 है 9th रो में। तो सेम हमने इतना पोर्शन यहाँ पर बनाना है, 9th रो तक 10 स्टिच होंगे। तो यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारी 9th रो है। ये देखिए, तो इसमें हमने ये देखिए इंक्रीज़ किया है टोटल यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 9th रो में यहाँ पर भी मेरे पास 10 स्टिच है। इसके बाद देखिए, 9 रो हमने बना ली 10 स्टिच के साथ। इसके बाद देखिए, ये नेक्स्ट हमारी 10th रो है, इसमें मैंने कोई इंक्रीज़ नहीं किया। 9th रो तक हमने इंक्रीज़ किया है हर, देखिए यहाँ पर ये इंक्रीज़ है, फिर यहाँ पर है। सेम हमने जो वाइट अभी मैंने दिखाया है उसी तरह हमने 9th रो तक बना लिया। इसके बाद 10th रो में कोई इंक्रीज़ नहीं है, 11th रो में कोई इंक्रीज़ नहीं है। तो 9th रो में हमारे पास 10 थे, 9वीं रो में, 10वीं रो में और 11वीं रो में भी मेरे पास 10 स्टिच है, 10 डबल क्रोशे। लास्ट 3 रो में हमारे पास 10 है डबल क्रोशे। तो ये हमारी, ये 9th थी, ये 10th, ये 11th। अब हमने 12th रो बनानी है। 12th रो में हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास होल है यहाँ पर भी एक डबल क्रोशे बना लेंगे। 3 चेन लिए, देखिए ये फर्स्ट स्टिच है, यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर 3 की चेन आती है, तो नेक्स्ट में बनेगा। हर स्टिच के ऊपर एक एक बनाते जाएंगे। इंक्रीज हमने कोई नहीं करना है इसमें भी, बस हमने यहाँ पर ये जो एक चेन ले रखी है इसकी जगह पर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। और यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये चेन को, इसमें जो चेन है देखिए, उस चेन को मैंने लिया है यहाँ पर। इसके बाद फिर से ये 10 बनेंगे और 11th ये बनेगा। देखिए,
काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये होल में बनाया 11, तो 11, ये 22 33 44 55, और यहाँ पर ये 66 नहीं होंगे, 65 हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास डबल क्वेश्चन, क्योंकि इसके आगे होल नहीं है। कंप्लीट करेंगे तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल मेरे पास 12 रो हैं, 12। लेकिन अगर आपने यहाँ पर, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने इसे थोड़े छोटे साइज में बनाना है, तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास 9th रो में 10 डबल क्रोशे थे, तो फिर 9 के बाद आप इससे ये सेम वाली दो रो ना बनाएं, उसके बाद सीधे ये रो बनाएं, 9th रो बनाने के बाद ये वाली रो बनाएं। ये जो हमने, जिसमें दो रो में हमने सेम स्टिच रखे हैं, वो नहीं बनाएंगे, तो 1 इंच लाएंगे कि लेंथ कम हो जाएगी, 9th के बाद सीधे हम 12th बनाएंगे। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन लिए हमने डबल क्रोशे की हाइट के, और 5 चेन हम और लेंगे, टोटल मैंने यहाँ पर 8 चेन लिए। धागा लिया हमने, ये देखिए फर्स्ट जो हमारी चेन है उसमें ये हमारा 3, जो स्टार्ट में 3 की चेन होती है वो हमारा काउंट होती है, तो यहाँ नहीं बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3 फोर्थ में हमने डबल क्रोशे किया इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 4 5 हमने चेन लिए, धागा लिया, 1 2 3 4 में हमने, फोर्थ में हमने डबल क्रोशिया किया। यहाँ पर हमने 5 चेन लिए हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने 5 चेन एक लिए और 3 चेन एक लिए, टोटल 8 लिए। 1 2 3 4 5 धागा लिया, 1 2 3, और फोर्थ में हम डबल क्रोशिया करेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो रो कंप्लीट हो गई, लास्ट में देखिए 5 मैंने चेन लिए, 1 2 3 स्किप करेंगे, एंड में जो 3 की चेन है वहाँ पर मैंने डबल क्रोशे किया। तो अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए 1 में हम ये डबल क्रोशिया बनाते हैं, उसके बाद हम 3 चेन स्किप करते हैं, 4 चेन हमारी यूज़ होती हैं एक इस तरह के होल के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बार हमारे पास इस तरह के होल आए हैं, 16। 16 को हमने 4 पे मल्टीप्लाई किया तो ये 64 आया, 64, और एक एंड में हमारे पास और डबल क्रोशिया है, तो 65 हमारे पास यहाँ पे थे, 65। तो इस तरह से हमारे 16 बनेंगे होल। एक चेन लेकर ये जो हमारे पास डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब देखिए इसके बाद हमारे पास 5 चेन है, तो फर्स्ट बिल्कुल जो शुरू वाली चेन है उसके ऊपर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। अब इसके बाद सेकंड चेन है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हम थर्ड चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, थर्ड चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया। यहाँ पर देखिए 1 और 2 चेन लिए हमने, धागा लिया, इसी जगह जहाँ पर हमने अभी सिंगल क्रोशिया किया है थर्ड चेन में, वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 4, 4 हमने एक ही जगह डबल क्रोशिया किए। उसके बाद फिर से 2 चेन लिए, फिर से इसी जगह जहाँ पर हमने 4 बनाए हैं वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए फोर्थ वाली चेन को स्किप करेंगे, ये 5th चेन है, 5th चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया की चेन में बनाया सिंगल क्रोशिया इस तरह से। सेंटर में जो हमारे पास 5 चेन थी उसमें हमने पहले के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, दूसरे के ऊपर किया, थर्ड वाले में हमने ये 4 बार डबल क्रोशिया किया, उसके बाद फोर्थ वाली चेन को स्किप करके 5th में सिंगल क्रोशिया किया। फिर से देखिए, पहले हमने देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चेन है यहाँ पर ये 5 चेन है,
फर्स्ट चेन के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, इसके बाद सेकंड वाली चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद ये थर्ड वाली चेन है इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर इसी जगह हमने दो चेन लेकर इसी जगह हमने डबल क्रोशिया किया, एक सेम प्लेस पर हमने चार डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो तीन चार चार डबल क्रोशिया बनाए, एक और दो चेन लिए, फिर इसी जगह हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हमने फोर्थ चेन को स्किप करना है, फिर फिफ्थ चेन में सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद देखिए ये डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के ऊपर बनाए, तो राउंड को हमने ये वाली रो को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने, फिनिश देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पर जो फाइव, यहाँ पर हमने तीन चेन लिए थे और पांच चेन लिए थे, तो जो ऊपर ये जो पांच चेन है, पहली के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया, दूसरी के ऊपर किया, थर्ड वाली चेन में मैंने ये चार डबल क्रोशिया बनाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया उसी चेन में, ये फोर्थ चेन स्किप करेंगे जैसे हमने पहले बनाया है, फिफ्थ चेन में अब मैंने सिंगल क्रोशिया किया जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम उसी तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस साइड से चेन देखिए, एक दो तीन, थर्ड चेन में अब हम ये जो हमारा डबल क्रोशिया होता है उसके ऊपर भी हम बनाते हैं, तो यहाँ पर ये थर्ड चेन में हम बनाएंगे, एक चेन लेंगे यहाँ पर धागा काट देंगे, धागा हमने यहाँ पर काट दिया, अब फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, इस साइड से देखेंगे तो ये देखिए ये हमारे उल्टे स्टिच दिखाई देते हैं, लेकिन इस साइड से देखेंगे तो ये हमारे हमारी ये राइट साइड है, देखिए यहाँ से भी जो स्टार्टिंग चेन है, तो धागा हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया किया, सेकंड में किया, उससे पहले हमारे पास ये डबल क्रोशिया के ऊपर जो है चेन उसके ऊपर हमने बनाना है, ये देखिए ये डबल क्रोशिया वाला हमारा सिंगल क्रोशिया है जो फर्स्ट चेन में बनाया था, ये सेकंड में, उसके बाद ये थर्ड में, तो बिल्कुल डबल क्रोशिया के ऊपर वाले स्टिच से मैंने स्टार्ट किया। एक दो तीन चार पांच चेन लिए, इस पत्ती को इस तरह से करेंगे, और यहाँ पर देखिए कहाँ पर हमने ज्वाइन करना है, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के ऊपर जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, ये देखिए ये वाला, यहाँ पर हम इसे ज्वाइन करेंगे, ये देखिए पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है ये इस साइड वाली चेन में है, और ये वाला सिंगल क्रोशिया इस साइड वाली चेन में है, जो डबल क्रोशिया के बिल्कुल ऊपर वाला सिंगल क्रोशिया है देखिए इसके ऊपर, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, इसके बाद देखिए एक चेन ली, वर्क को टर्न किया, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन तीन चार, चार बनाए, तीन चेन लिए, तीन चेन लेकर ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर वाले दो स्टिच उठाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर धागा लिया, फिर यहाँ पर चार बनाएंगे, एक दो तीन और चार, चार बनाए, इसके बाद एक चेन ली, वर्क को टर्न किया, अब देखिए इसी के नीचे ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसको लेकर यहाँ पर इस तरह से उठाएंगे, यहाँ पर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार और पांच, पांच डबल क्रोशिया किए, फिर से एक चेन ली, देखिए
अब यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है, ये देखिए डबल क्रोशे के ऊपर जो सिंगल क्रोशे है वहाँ पर हमने ज्वाइन किया था, सेम उसी जगह हमने फिर से ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। फिर देखिए 1 2 3 4 5 चेन लिए, देखिए ज्वाइन करेंगे, ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ये सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में मैंने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। एक इसके बाद एक चेन ली, वर्क को टर्न किया, धागा लिया, 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 3 4, 1 2 3 चेन लिए, फिर धागा लिया, 1 2 3 4, इसके बाद फिर एक चेन ली हमने, वर्क को टर्न किया, इसी के नीचे ये जो डबल क्रोशे है इसमें बनाएंगे 5 डबल क्रोशे, एक दो तीन चार और 5 5 बनाए, उसके बाद एक चेन ली, ज्वाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे, इस तरह से ये हमारे पास पत्तियाँ बनती जाएंगी। देखिए एक बार फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 चेन लिए हमने, देखिए डबल क्रोशे के ऊपर वाले जो सिंगल क्रोशे है वहाँ पर स्लिप स्टिच किया, उसके बाद एक चेन ली, वर्क को टर्न किया, यहाँ पर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 और 4, इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर धागा लिया, 4 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे, 1 2 3 4, इसके बाद एक चेन ली, वर्क को टर्न किया, ये जो हमारा गाजरी कलर का डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद एक चेन ली हमने, ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन देखिए उसी जगह करना है ये वाइट जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था, फिर से हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाया, इसके बाद देखिए फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से ये हमारे पास डिज़ाइन आएगा, कंप्लीट करेंगे, राउंड देखिए कंप्लीट हो गया, ये देखिए एक चेन लेकर ये जो डबल क्रोशिया है इसी में हमने ज्वाइन किया, जहाँ पर पहले स्लिप स्टिच किया हुआ है वहीं पर हमने ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे, अब फिर से हमने धागा स्टार्ट करना है, रॉन्ग साइड से धागा स्टार्ट करेंगे, अब देखिए कहाँ पर हमने वर्क करना है, ये जो हमारे पास चेन है ये देखिए इस साइड से, देखिए ये जो हमने चेन स्किप की है 1 2 3, फिर फोर्थ में हम बनाते हैं, फिर 1 2 3 फोर्थ में बनाते हैं, सभी चेन को लेकर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, रॉन्ग साइड से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए ये जो हमारे पास पहला डबल क्रोशिया है उसी की चेन में यहाँ से हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, एक दो तीन चेन लिए, ये जो हमारी स्टार्टिंग वाली चेन है
जिसमें अभी हमने एक बनाया है, ये तीन की चेन बनाई है, एक बार यहाँ पर और बनाएंगे। एक यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया कॉर्नर में बस, उसके बाद जितनी भी हमारे पास चेन है सबके ऊपर एक बनाएंगे। नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, देखिए ये जो डबल क्रोशिया, ये देखिए वाइट के नीचे ये डबल क्रोशिया इस चेन में बना हुआ है, इसमें भी बनाएंगे। कोई भी चेन हमने स्किप नहीं करनी, नहीं तो हमारे जो डबल क्रोशिया है वो कम हो जाएंगे। इसमें, फिर इसमें, ये तीन जो बीच में स्किप करते हैं उसमें बनाया, फिर जिस चेन में हम ये डबल क्रोशिया बनाते हैं जो वाइट चेन के नीचे है उसमें भी बनाना है। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखिए टोटल, देखिए टोटल ये वाली रो में हमारे पास 65 डबल क्रोशिये थे, 65। तो अब जब हम इस साइड से बनाएंगे तो 65 तो ये हमारे पास डबल क्रोशिये आएंगे सेम, हर चेन में एक बनाएंगे। एक हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किया है स्टार्टिंग वाले में, एक हमने लास्ट वाली चेन में यहाँ पर भी इंक्रीज़ करना है, ये जो हमारा लास्ट है। तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे 67, हो जाएंगे 67, कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमारी लास्ट चेन है, यहाँ पर हमने एक बनाया, एक और बनाएंगे। एक यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज हो गया इस साइड, एक इस साइड। वर्क को टर्न करेंगे, सेम राउंड रिपीट करेंगे, सेम रो रिपीट करेंगे जो हमने अभी बनाई है। ये जो बिल्कुल हमारी स्टार्ट वाली चेन है इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इंक्रीज़ हो गया है, एक इसमें हमारी तीन की चेन है, एक हमने डबल क्रोशिया किया फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में हमारे पास दो स्टिच बन गए। अब नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में, इस रो में भी हमारे पास दो इंक्रीज़ हो जाएंगे, एक इस साइड और एक इस साइड हो जाएगा इंक्रीज़, तो 69 हो जाएंगे 69, कंप्लीट करेंगे रो। लास्ट में जो हमारे पास चेन है उसके ऊपर हमने दो बनाने हैं, देखिए दो बनाए। तो ये एक बनाई रो, ये सेकंड बनाई हमने, थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। थर्ड रो में भी हमने बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन में बनाया, एक इंक्रीज कर लिया। जब हम स्टार्ट वाली में बनाते हैं इसका मतलब एक स्टिच हमारा इंक्रीज हो गया, क्योंकि एक तीन की चेन है, एक ये है। फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे, नेक्स्ट में एक, सभी चेन के ऊपर एक एक बनाएंगे। लास्ट वाली में दो बनाएंगे, दो इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पर 71 हो जाएंगे 71। सेकंड लास्ट में बनाया, लास्ट हमारे पास तीन की चेन है, यहाँ पर दो बार बनाएंगे, एक एक और बनाया। वर्क को टर्न करेंगे, देखिए एक दो तीन रो बनाई हमने, फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट वाली चेन में बनाएंगे, एक इंक्रीज करेंगे, फिर नेक्स्ट में एक, नेक्स्ट में एक, रो कंप्लीट करेंगे, हर चेन में एक बनाएंगे। रो देखिए कंप्लीट कर ली, एक दो तीन चार मैंने रो बना ली। लास्ट में देखिए दो बनाई मैंने डबल क्रोशिया, तो अब ये 73 है 73। इसके बाद देखिए जैसे हमने ये बनाया है सेम उसी तरह से बनेगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास 65 थे, देखिए ये जो हमने पैटर्न बनाया है मल्टीपल ऑफ फोर हमारे पास चेन होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास तीन हम स्किप करते हैं फोर्थ में बनाते हैं, फिर तीन स्किप की फिर फोर्थ में बनाया, तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ फोर मतलब 64 हमारे डबल क्रोशिया मल्टीपल ऑफ फोर के हिसाब से यूज़ हुए, प्लस वन होनी चाहिए 65। तो 65 मेरे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया थे। अब देखिए यहाँ पर हमने चार इंक्रीज कर दिए, एक पैटर्न हमारा इससे बन जाएगा, चार हमने इस साइड इंक्रीज किए, मतलब हमारे पास चार चेन इस साइड एक्स्ट्रा होगी, 65 से चार इस साइड एक्स्ट्रा होगी, तो 65 में आप 8 प्लस कर लें तो वो 673 आएगा 73।
चार चेन इस साइड जो इंक्रीज हुई है उससे एक पैटर्न हमारा एक्स्ट्रा बनेगा इस तरह का, इस साइड एक इस साइड बनेगा, बाकी सेंटर में सेम उसी तरह से 16 बनेंगे। देखिए एक दो तीन, डबल क्रोशे की हाइट की, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हमने लिए जो हम सेंटर में लेते हैं। तो ये हमारी स्टार्टिंग वाली चेन है, इसको काउंट नहीं करेंगे। एक दो तीन, फोर्थ में हमने डबल क्रोशिया किया, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, फोर्थ में हमने डबल क्रोशिया किया। तो मल्टीपल ऑफ फोर इसीलिए मैंने कहा है, एक दो तीन और फोर्थ में बनाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 70 हमारे पास 3 है, तो मल्टीपल ऑफ फोर का मतलब यहाँ पर 18 हमारे पैटर्न बनेंगे, 72 चेन हमारी उससे यूज़ होंगी, प्लस वन, प्लस वन जो हम एक एक्स्ट्रा लास्ट में हम बनाते हैं डबल क्रोशिया, तो 73 है हमारे पास, 18 पैटर्न बनेंगे यहाँ पर हमारे पास। एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे। एक दो तीन, लास्ट में जो तीन की चेन है वहाँ पर मैंने लास्ट डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली वो आपको टर्न करेंगे। अब यहाँ पर काउंट कीजिए आप, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 होल बने। बाकी पैटर्न हमने सेम उसी तरह से बनाना है जैसे पहले बनाया है। देखिए एक चेन लेकर पहले जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन में बनाया, उसके बाद यहाँ पर पांच चेन है फर्स्ट वाली चेन में, इसके बाद सेकंड में बनाएंगे, फिर थर्ड में। अब थर्ड में बनाया तो थर्ड में चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो चेन लिए इसी चेन में। देखिए जहाँ पर हमने बनाया है सेम उसी जगह चार बनाने हैं, एक दो तीन चार, दो हम चेन लेंगे इसी जगह सेम प्लेस पर ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से, फोर्थ वाली चेन को स्किप किया, फिफ्थ चेन में सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद ये डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे बस, उसके बाद फिर उसी तरह से ये देखिए। तो जैसे हमने ये बनाया है सेम वही रिपीट हो गया। इसके बाद जैसे हमने ये वाइट राउंड बनाया है वाइट राउंड बनाएंगे, दोनों राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए लहंगे को मैंने कंप्लीट कर लिया है, किस तरह से किया है, जैसे हमने ये वाला वाइट पैटर्न बनाया था उसी तरह से फिर मैंने यहाँ पर बनाया। और उसके बाद ये जो हम मैंने पोर्शन बनाया है ये सेम इसी तरह से बनाया है, जैसे यहाँ पर हमने चार रो बनाई थी गाजरी कलर की, इसी तरह से यहाँ पर भी चार रो मैंने बनाई है गाजरी कलर की। देखिए एक दो तीन और एक नीचे चार, सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पर मैंने दोनों साइड इंक्रीज़ किया है, यहाँ पर भी हमने एक एक स्टिच इंक्रीज़ किया था, ये देखिए इंक्रीज़ है इंक्रीज़ है। इसी तरह से मैंने ये जो बाद में पोर्शन बनाया है उसमें भी मैंने चार स्टिच इस साइड इंक्रीज़ किए हैं, चार इस साइड इंक्रीज़ किए हैं। ये जो हमारा एक पैटर्न है ये हमारा चार चेन से कंप्लीट होता है, तीन हम यहाँ पर स्किप करते हैं फोर्थ में बनाते हैं। तो चार हमने इस साइड इंक्रीज़ किए एक पैटर्न उससे हमारा बढ़ गया, चार हमने इस साइड इंक्रीज़ किए यहाँ पर चार रो में तो एक पैटर्न यहाँ पर हमारा बढ़ गया। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास 16 थे, दोनों साइड एक एक हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किया है तो 18 हो गए, दोनों साइड एक एक हमने इंक्रीज़ किया है तो इस रो में मेरे पास 20 है 20। तो अब देखिए यहाँ पर एक बात और है, मैंने यहाँ पर इतना बनाने से पहले आप ये देख लीजिए जो घेरा बना है, ये 17 इंच घेरा बना है 17 इंच, मैंने यहाँ पर 16 रखे थे पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एक चार चार स्टिच इंक्रीज़ किए हैं, ये जो गाजरी कलर के बीच में बनाई है चार इस साइड इंक्रीज़ किए चार इस साइड, तो दो मेरे पैटर्न एक्स्ट्रा हो गए। अगर आपको घेरा नीचे जाके इतना नहीं चाहिए, 17 नहीं चाहिए, आपको 15 चाहिए, तो फिर आप ये जो मैंने चार स्टिच इंक्रीज़ किए हैं ये आप इंक्रीज़ ना करें, जितने हमारे पास यहाँ पर थे
यहाँ पर हमारे पास 65 थे, 65, तो 65 के ऊपर आप 65 ही यहाँ पर बनाए। अगर चार स्टिच यहाँ इंक्रीज नहीं करेंगे, यहाँ भी इंक्रीज नहीं करेंगे, सेम बनाएंगे जितने हमारे पास यहाँ पर थे, तब आपका ये एक एक पैटर्न पड़ेगा नहीं। इसी तरह से नेक्स्ट रो में भी आप चार चार जो मैंने स्टिच इंक्रीज़ किए हैं इस साइड और इस साइड, ये भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो फिर आपके 16 यहाँ आएंगे, 16 यहाँ आएंगे और 16 यहाँ आएंगे। फिर आपका घेरा इस तरह से, देखिए दो पैटर्न एक्स्ट्रा है, एक हमने यहाँ इंक्रीज़ किया, दो यहाँ पर, फिर आपका घेरा इस तरह से दो यहाँ पर कम रहेंगे, इस तरह से आएगा। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आपको नीचे घेरा बड़ा चाहिए तो आप ये गाजरी जो कलर है इसमें आप इंक्रीज़ कर दें दोनों साइड, अगर आपको इतना ही चाहिए तो इंक्रीज ना करें। फिर आपने जैसे यहाँ पर हमारे पास 65 थे, यहाँ पर भी आप 65 के ऊपर 65 बनाएं और यहाँ पर भी 65 के ऊपर 65 बनाएं, फिर तो ये तीनों पैटर्न सेम है। फिर जैसे 65 से हमने ये 16 पैटर्न बनाए हैं, उसी तरह से ये बनेंगे, उसी तरह से ये बनेंगे। मैंने एक एक मोती लगाकर इन्हें इनके साथ अटैच कर दिया है, ये देखिए रॉन्ग साइड। अब यहाँ पर हम डोरे बना के डालेंगे और वेस्ट देखिए, अभी देखिए 5.5 इंच वेस्ट है, दोनों साइड अगर किनारी बनाएंगे हम तो ये 6 इंच हो जाएगी। यहाँ से मैंने किनारी बनाना स्टार्ट किया, किनारी बनानी आपकी चॉइस है, बनाना चाहते हैं तो बना लें, नहीं तो इस तरह से भी ठीक है, सिंगल क्रोशिया किया। एक दो तीन चेन लिए, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा स्टिच बड़ा है इसलिए मैंने एक चेन ली है, फिर ज्वाइन करेंगे। इसके बाद मैंने चेन नहीं ली, देखिए 2 डबल क्रोशे के सेंटर में ज्वाइन करेंगे, तो इसी तरह से यहाँ बनाएंगे, इसी तरह से दूसरी साइड बनाएंगे और यहाँ पर हम डोरी बना के डालेंगे। दोनों साइड देखिए किनारी मैंने कंप्लीट कर ली, अब यहाँ पर डोरी पिरो देंगे, दो धागे इकट्ठे लेकर मैंने यहाँ पर चेन स्टिच से डोरी बनाई है, सिंपल चेन स्टिच से डोरी बनाई है। देखिए इसके एक साइड मैंने इस तरह से पफ स्टिच बनाया है, दूसरी साइड भी इसी तरह से बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार मैंने धागा लिया, इस धागे को पकड़ लिया, सारे स्टिच निकाल दिए। अब इस धागे को लिया इस तरह से, फिर एक चेन ली,
एक, 5 बार या 6 बार ले सकते हैं। दो, तीन, चार, पांच, छः, इस धागे को पकड़ लेंगे। इसके बाद 1 2 3 चार पांच चेन लिए, यहीं पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। एक चेन लेकर यहाँ पर धागा काट देंगे और ये जो धागे हैं इनको एडजस्ट करेंगे। देखिए लहंगा तो कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं इसको आपने छोटे साइज में किस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पर हमने रखी है 6 कलियाँ, 1 2 3 4 5 6, और एक कली जो है वो हमारी 4 डबल क्रोशे आते हैं, एक चेन स्किप करते हैं, 5 चेन से हमारी एक कली बनती है। स्टार्ट में अगर आप 5 चेन कम रखेंगे तो आपकी एक कली कम हो जाएगी, और एक कली जब आपकी कम हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए ये 10 स्टिच है मेरे पास, 10 20 30 40 50, 50 यहाँ तक, ये 50 ये हो गए, और एक एक ये सेंटर में होल है, 4 स्टिच आपके पास ये हैं, तो 54 यहाँ पर आपके पास ये वाली लास्ट रो में स्टिच होंगे। 54 स्टिच से आपने ये पैटर्न किस तरह से बनाना है, ये हमारा जो पैटर्न है ये 4 चेन यूज़ होती हैं यहाँ से गाजरी कलर की। तो ये देखिए 4 चेन यूज़ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पैटर्न आपके यहाँ पर रहेंगे। ये देखिए ये हमारी इस कली की, 5th कली की ये लास्ट डबल क्रोशिया है, ये वाला देखिए लास्ट डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पर देखिए 3 स्किप करते हैं, 4th में बनाते हैं, यहाँ पर भी देखिए ये 3 स्किप है, ये एक इसके नीचे है, देखिए 1 2 3 लास्ट में बनाया, और एंड में आपके पास सिर्फ 2 रहेंगे। देखिए एक और 2 रहेंगे, तो आप यहाँ पर 1 स्किप करके एंड में फिर लास्ट में बना दें डबल क्रोशिया, तो उससे आपके पास ये 14 पैटर्न आएंगे। इसके बाद फिर उसी तरह से है जैसे मैंने दोनों साइड इंक्रीज़ किया है, यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, दूसरी साइड भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं इंक्रीज़ कर ले, नहीं तो इसी तरह से देखिए आगे भी मैंने इंक्रीज़ किया है। ये देखिए पैटर्न के ऊपर पैटर्न है बिल्कुल स्ट्रेट, देखिए अगर आप यहाँ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं तो बिना इंक्रीज़ किए फिर आप 14 के ऊपर 14, 14 के ऊपर 14 बना ले, नहीं तो इंक्रीज़ करना है तो फिर यहाँ 16 हो जाएंगे और यहाँ पर फिर आपके 18 हो जाएंगे। इस तरह से आप इसे छोटे साइज़ में बना सकते हैं। और जब हमने ये स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था अगर आपने इसकी लेंथ कम करनी है तो आप ये 9 रो बनाने के बाद 10वीं और 11वीं रो ना बनाए, फिर आप सीधी 12वीं रो बनाए, 12th। टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रो है मेरे पास, फिर अगर आप ये वाली 2 रो ना बनाएंगे 9th रो के बाद सीधे 12वीं रो बनाएंगे तो 1 इंच आपका कम हो जाएगा। अभी देखिए इसकी जो लेंथ है देखिए 9.5 इंच है, 9.5 इंच। और अगर आपने और इसे छोटे साइज में बनाना है, 4 कलियाँ बनाएंगे फिर आप, 1 2 3 4 यहाँ तक फिर आपका बनेगा। ये देखिए देखिए ये आपके लास्ट कली का 4th कली का लास्ट स्टिच है यहाँ तक, फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आपके पैटर्न आए, और एंड में यहाँ पर देखिए 3 चेन स्किप करके 4th में बनाया है, फिर एंड में आपने 2 चेन स्किप करके लास्ट वाले में ये डबल क्रोशिया बनाना है गाजरी कलर का, 3 के जगह 2 चेन स्किप करनी है लास्ट वाले स्टिच में, लास्ट वाला जो पैटर्न है, फिर 11 के ऊपर 11, फिर 11 के ऊपर 11 बना ले, इंक्रीज़ करने हैं तो 11 के 13 कर ले, 13 के 15 कर ले। इस तरह से आप इसे छोटे साइज में बना सकते हैं। ये जो हमारा एक पैटर्न है ये 4 चेन लेता है बनने के लिए, लेकिन एंड में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आपने 4 कलियाँ रखनी है या 5 कलियाँ रखनी है। और जब आपने 4 कलियाँ रखनी है तो फिर आपको यहाँ पर 4 चेन और कम लेनी, 5 चेन और कम लेनी पड़ेगी। जैसे ये मैंने 29 से स्टार्ट किया है, अगर आपने 5 कलियाँ कम रखनी है तो 29 में से आप 5 माइनस करते हैं तो 24 रहेगा, अगर आपने 4 रखनी है तो 5 और आप माइनस कर दें 24 में से। तो ये तो हो गया छोटे और बड़े साइज़ में किस तरह से इसे बनाना है, बड़े में भी आप इसी तरह से बनाएंगे। देखिए अगर बड़े साइज़ में बनाना है तो यहाँ पर आप 5 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, और ये जो हमने रो बनाई है बीच में जो
दसवीं और ग्यारहवीं रो बनाई है बिना इंक्रीज किए, तो आप दो रो इसके और बना लें बिना इंक्रीज किए, तो 1 इंच आपकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसके साथ दुपट्टा भी बना लिया है, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से हमने बनाया है। यहाँ पर देखिए जो टोटल मैंने इसके लिए लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 स्टिच के साथ मैंने इसे बनाया है। लेंथ जितनी आपको चाहिए बना ले। यहाँ पर मैंने 28 रो बनाई है, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और ये 28। 28 रो बनाने के बाद मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पर मेरे पास 12 स्टिच हैं। 28 रो बनाने के बाद सेंटर में मैंने ये 29वीं रो में 1 स्टिच इंक्रीज करके यहाँ पर 13 डबल क्रोशे कर लिए हैं। 13 डबल क्रोशे क्यों किए हैं, यहाँ पर देखिए मैंने 3 पैटर्न रखे हैं। एक पैटर्न मैंने आपको यहाँ पर बताया है मेरा 4 चेन से कंप्लीट होता है, तो 4 को हमने 3 पे मल्टीप्लाई किया तो वो 12 आया, तो +1, तो 13 स्टिच मेरे पास यहाँ पर होने चाहिए थे। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास है 64 16, हमारे पास ये पैटर्न है तो उससे 64 हुए +1 65, तो यहाँ पर मेरे पास 65 थे। जितने हमारे पास पैटर्न है उसमें 1 प्लस करके यहाँ पर आपके स्टिच होने चाहिए जब आपने ये पैटर्न बनाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 13 किए हैं, क्योंकि हमारे 3 पैटर्न से 12 स्टिच ये चाहिए, 3 को हमने 4 पे मल्टीप्लाई किया, 1 एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो ये 13, इसलिए यहाँ पर मैंने 13 स्टिच कर लिए 13। अब 13 से उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर पैटर्न स्टार्ट किया था उसी तरह से बनेगा बिल्कुल। स्टार्ट में हमने पहले जैसे डबल क्रोशिया किया, उसके बाद हमने 3 चेन स्किप किए, फिर हमने डबल क्रोशिया किया, फिर 3 चेन स किप किए, बाकी इसी तरह से ये बन रहा है। उसके बाद देखिए हमने ये जैसे यहाँ पर सेंटर में ये 4 बनाए थे रो, यहाँ पर भी मैंने उसके बाद 4 बनाई हैं, 1 1 2 3 4, और 4 रो में मैंने एक एक स्टिच जैसे यहाँ पर इंक्रीज़ किया है दोनों साइड, देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ है, ये एंड में इंक्रीज़ है, तो यहाँ पर मेरे पास 4 यहाँ बढ़ के डबल क्रोशिया, 4 यहाँ पर बढ़ के, तो 4 डबल क्रोशिया से ही हमारा एक पैटर्न बनता है, उससे एक पैटर्न और एक पैटर्न इस साइड, 2 पैटर्न हमारे इंक्रीज़ हो गए, 3 के या 5 हो गए। तो 5 का मतलब यहाँ पर ये है कि 5 को हमने 4 पे मल्टीप्लाई किया, एक पैटर्न के लिए 4 चेन यूज़ होती हैं, तो 20 वो हो गए 1 प्लस, तो 21 यहाँ पर हो गए मेरे पास, ये जो गाजरी कलर के डबल क्रोशिया हैं, 21 21 से हमारे ये 5 पैटर्न बने, और इसी तरह से 4 यहाँ इंक्रीज़ किए, 4 यहाँ पर इंक्रीज़ किए, तो यहाँ पर ये 29 हो गए, 8 यहाँ पर और बढ़ गए, तो ये देखिए अब ये 7 हो गए, 1 यहाँ 1 यहाँ, 3 फिर 5 फिर 7, तो 7 को 4 पे मल्टीप्लाई किया, 28 प्लस 1 29 29, यहाँ पर मेरे पास ये डबल क्रोशिया है। इस तरह से ये हमने दुपट्टा बनाया है, बाद में मैंने इसे किनारी की है जैसे यहाँ पर की है। बाकी इसकी चोली किस तरह से बनेगी उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक इसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देखिए पंजाबी स्टाइल के सूट जो होता है उसकी तरह की मैंने ये चोली बनाई है, तो इस तरह की चोली आप सेम इसके लिए बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।